गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईवीएस में हम चैप्टर टू की रीडिंग कर रहे थे, पीपल विद स्पेशल नीड्स। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने इन दो पेजेस की रीडिंग कर ली थी। आज है पेज नंबर 16। हमारा पैराग्राफ है ऑल पीपल नीड केयर। ओल्ड यानी जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनको एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत यानी आवश्यकता की ज़रूरत होती है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ऑल पीपल नीड अवर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑल पीपल यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, उनको हमारी ज़रूरत होती है हमारे सपोर्ट की, हमारे सहारे की, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना हमें चाहिए। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, हमें उनसे हमेशा प्यार और स्नेह करना चाहिए। दे आर नॉट एबल टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स themselves। नॉट एबल यानी वो सक्षम नहीं होते हैं, टू डू यानी अपना काम करने में, टू ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने में भी खुद से सक्षम नहीं होते हैं। वी शुड हेल्प देम, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वे अपना काम सारा वो खुद से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग क्या होता है, उनके जोड़ों में, उनके बैक में, पीठ में, इनमें दर्द रहने लगता है, और उनसे सारा काम अपने आप से खुद से नहीं हो पाता है। तो हमें जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर हैं, उन्हें हमें उनको लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उनके जितनी भी काम है, हमें उनको खुश होके करना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू शो अवर लव एंड केयर फॉर देम इज़ टू स्पेंड टाइम विद देम। हमें उनके साथ में हमें प्यार दर्शाना चाहिए। कैसे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो वे खुश होंगे, ठीक है। तो हमें अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके साथ में बैठना चाहिए, और उनके पास में बहुत सा नॉलेज होता है जो हमें वो सिखा सकते हैं, जो हमें वो बता सकते हैं। अपने जीवन में जितने भी उन्होंने अनुभव लिए हैं, वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। डू यू नाउ, 1 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड में ये ओल्ड एज डे फिक्स किया गया है वृद्ध लोगों के लिए। कब? 1 अक्टूबर को। तो ये आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेना कि 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट होता है, ओल्ड एज डे। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमें अपने जो वृद्ध लोग जो होते हैं, उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए। हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेयर्स। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो खुद से नहीं चढ़ पाते हैं, तो हमें उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने में, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑफर देम योर सीट इन ए बस। अगर आप कहीं बस में घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ कोई बुज़ुर्ग है, वो खड़े हुए हैं और आपके पास में सीट है, आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो हमें उनको अपनी सीट है वो देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह सकते। फिल द ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम। जब भी उन्हें पानी की आवश्यकता हो तो हमें उन्हें पानी देना चाहिए। बी पेशेंट विद देम। पेशेंट यानी धैर्यवान, यानी हमें उनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके साथ में धैर्यवान बने रहना चाहिए। गिव देम ए गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। तो जब अपने दादा दादी जी का जब भी जन्मदिन आता है, तो हमें उनको गिफ्ट देना चाहिए, जिससे वे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। डू नॉट मेक नॉइज़ व्हेन द आर रेस्टिंग। जब वो रेस्ट करते हैं तो हमें नॉइज़ यानी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है, वो आराम से सो पाएँ और अच्छे से उनको नींद आ सके। तो वो जब सोते हैं तो हमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो करके अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। मेक देम फील वांटेड। हमें उनको ऐसा फील कराना चाहिए कि हम उनसे बहुत चाहते हैं। बाई डूइंग स्मॉल गेस्चर्स फॉर देम। यहाँ कुछ इशारे हैं, जो तरीके हैं कि हम उनसे अपना प्यार है वो दर्शा सकते हैं। लाइक गिविंग देम ए स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। जैसे उनका जब बर्थडे आता है तो हमें एक छोटा सा उनको गिफ्ट देना चाहिए, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। सम ओल्ड पीपल लिव इन ए ओल्ड एज होम। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम में, जहाँ लोग रहते हैं। तो वहाँ लोग क्यों रहते हैं, तो दे स्टे देयर बिकॉज दे आर अलोन। क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनके घर वाले उन्हें, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुज़ुर्ग माता पिता को घर से निकाल देते हैं, तो वे लोग कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज
होम में यानी वृद्धाश्रम में चले जाते हैं एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वे खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं इसलिए वे ओल्ड एज होम में रहते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी EVS की नोटबुक में लिखेंगे। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है एक्सपीरियंस अनुभव, सफर पीड़ित होना, कैपेसिटी क्षमता, वाइज बुद्धिमान, पेशेंट धैर्यवान, गेस्चर्स इशारे, ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम, फिजिकली शारीरिक रूप से, चैलेंज्ड चुनौती, ब्लाइंड अंधा, डम्ब गूंगा, डीफ बहरा, सेंसिटिव संवेदनशील, एम्पलीफाइज बढ़ाना, स्पेक्टिकल्स चश्मा, स्क्रिप्ट लिपि। ये वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी EVS की नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डेट्स दी हुई थी आपको अपनी EVS की नोटबुक में, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड केयर डे फॉर ब्लाइंड पीपल। तो आपको ध्यान में रहेगा कि 15 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड केयर डे। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट होता है, ओल्ड एज डे। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप अपनी EVS की नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।